हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उस कंपनी के बारे में पहले पढ़ा जाता है, उसके बारे में पूरी तरह से रिसर्च की जाती है और फिर एक डिसीजन लिया जाता है कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं, और यदि है तो किस राइट प्राइस में हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी केमिकल बनाने वाली एक कंपनी है। इनका जो प्रोडक्ट है वो काफी नीश प्रोडक्ट है और इंडिया में ये जो केमिकल बनता है उसकी एकमात्र कंपनी है जो इंडिया में वो केमिकल बनाती है। मैं बात कर रहा हूं जिस कंपनी का, उसका कंपनी का नाम है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि दे आर इंटू स्पेशलिटी केमिकल। तो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि इस कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट का मार्केट शेयर है, आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है और कैसे ये कंपनी डील करती है। पर इस कंपनी के बारे में स्टडी करने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि इस कंपनी में क्यों ये इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, क्या इसका मार्केट कैपिटल है, किस रेट पे ट्रेड कर रहा है, इसका बाकी न्यूमेरिकल फंडामेंटल्स क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप पे अगर बात करें तो 1200 करोड़ का मार्केट कैप है, तो अभी भी ये काफी छोटी कंपनी है। साइज वाइज देखें तो ये काफी छोटी कंपनी है और इसका जो आईपीओ है ये शायद 2020 के सेप्टेम्बर या अक्टूबर के आसपास आया था, इफ आई रिमेम्बर। तो इसको अभी मतलब आईपीओ लाइक हार्डली 2 साल भी प्रॉपरली नहीं हुआ। तो करंटली ये 331 रुपए पे ट्रेड कर रही है, हाई 539 का गया हुआ है और करंटली इट इज ट्रेडिंग एट अ पीई ऑफ 16.2। तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन भी नहीं है स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलमोस्ट 21%, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 16% के आसपास है। तो दोनों ही मामले में रिटर्न ठीक ठाक ही दे रही है। डेट इक्विटी इज रीजनेबल 0.09, डेट खाली 36 करोड़ का है, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डेट फ्री काइंड ऑफ ये कंपनी। मार्केट कैप टू सेल्स का बात करें तो 4.19 का मार्केट कैप टू सेल्स है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव दिखता है। प्राइस टू बुक इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, तो यहाँ भी वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई दिखता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो हाई वैल्यूएशन इसको मार्केट से मिल रहा है, क्या ये कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स ऐसे हैं कि इसको ये हाई वैल्यूएशन दिया जाना चाहिए या फिर यहाँ से और करेक्शन की उम्मीद है। तो इसके पीएल स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं और फिर हम लोग को कुछ आइडिया लगेगा कि क्या सिचुएशन एक्चुअली मार्केट में है। तो इसके पीएल स्टेटमेंट को अगर हम स्टडी करें तो हम देखेंगे कि इसका जो रेवेन्यू है ये दिसंबर में 50 करोड़ का था, उसके पहले 61 करोड़ का था, तो मोर और लेस ये 60-70 करोड़ के रेवेन्यू करने वाली कंपनी है। बट मार्च में और जून में कंसिस्टेंटली इन्होंने 89 करोड़ का टॉप लाइन किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। ये 2 क्वार्टर में रेवेन्यू में ग्रोथ आया, क्योंकि उसके पहले अगर हम प्री कोविड लेवल भी चले जाए तो 65 करोड़ का रेवेन्यू था, 56 करोड़ का रेवेन्यू था, तो प्री कोविड से भी अच्छा रेवेन्यू, यानी ऑल टाइम हाई के आसपास इनका रेवेन्यू चल रहा है। एक्सपेंसेस का बात करें तो एक्सपेंसेस के बाद अगर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी ऑल टाइम हाई है, 34 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो एबिटा मार्जिन बोलते हैं 38%, ऑलमोस्ट उनका लाइफ टाइम हाई है 38%। पहले एक बार हुआ था, इस क्वार्टर में भी 38% का एबिटा मार्जिन किया है, तो 38% का एबिटा मार्जिन करना कोई मजाक का बात नहीं है। इंटरेस्ट इनका ऑलमोस्ट जीरो है क्योंकि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, जैसा कि मैंने कहा। ईयरली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो ईयरली बेसिस पे भी इनका काफी अच्छा फंडामेंटल है। इनका 243 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले साल, जो कि बढ़ के 257 हुआ, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं आया बट ऐसा कोई डिक्लाइन भी नहीं आया जितना चैलेंजेस हम लोगों ने पिछले साल देखा। हाँ, प्री कोविड लेवल पे अभी भी कंपनी नहीं पहुंच पाई है, जो कि 303 करोड़ का रेवेन्यू था, वहां अभी भी कंपनी को पहुंचने में टाइम लग रहा है, तो ठीक है। बट कोई बात नहीं कि यहाँ पर 22% का ऑपरेटिंग मार्जिन हुआ करता था जो कि बढ़ के 32% का हो गया है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे हम देखें तो 34% का मार्जिन कंपनी कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली टॉप लाइन थोड़ा सा गिरा है नो डाउट, विच इज अ नेगेटिव साइन, बट कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 66 करोड़ से बढ़ के आज 82 करोड़ का हो गया है FY22 में। तो प्रॉफिट कंपनी अच्छा कर रही है, यानी कहीं ना कहीं अगर नंबर्स को देख के मैं बात करूं तो कंपनी कुछ ऐसा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रही है जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है और जहां पर इनका मार्जिन काफी अच्छा मिल रहा है। तो अभी हम लोग जब स्टडी करेंगे तो देखेंगे क्या कंपनी ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बना रही है या ऐसा क्या एक्सपेंशन या कुछ भी ऐसा क्या कर रही है कि इनके मार्जिन में इनको इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। नेट प्रॉफिट का बात करें तो प्री कोविड लेवल में 43 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़ के आज 63 करोड़ का हो गया, और टैक्स भी कंपनी प्रॉपरली दे रही है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने टैक्स नहीं दिया।
बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी का बोरिंग्स ऑलमोस्ट नील है, 6 करोड़ से बढ़ के थोड़ा 36 करोड़ हुआ है, बट 36 करोड़ इज मैनेजेबल, इट इज नॉट अ वेरी बिग डील। तो 380 करोड़ का रिजर्व के अगेंस्ट में अगर 36 करोड़ का बोरिंग्स है तो कोई बात नहीं है। हम लोग देख लेते कैश कितना है कंपनी के बुक्स में। तो कंपनी के बुक्स में इन्वेंट्री 35 करोड़ का है, इन्वेंट्री थोड़ा घटा है, डेटर थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है, सेल्स बढ़ेगा तो थोड़ा तो डेटर बढ़ेगा भी। कैश 122 करोड़ से बढ़ के 224 करोड़ इनके बुक्स में कैश पड़ा है। तो अगर 224 करोड़ कैश पड़ा है उसके अगेंस्ट में 36 करोड़ का डेट है तो नेट डेट फ्री है कंपनी, कोई ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। कैश फ्लो का बात करें तो 74 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया, उसके अगेंस्ट में 93 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खर्चा किया। तो कहाँ खर्चा हुआ इनका, फिक्स्ड एसेट में 50 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है और अदर इन्वेस्टिंग आइटम में 51 करोड़ रुपए इन लोगों ने लगा दिया। अदर इन्वेस्टिंग आइटम मतलब कहीं पर कुछ इन्वेस्ट कर दिया होगा इनके पास जो कैश पड़ा था। तो कैश फ्लो भी ठीक ठाक जनरेट कर रही है, डेटर डेज इनका थोड़ा सा बढ़ा है पर इन्वेंट्री डेज काफी घटा है ना। इन्वेंट्री डेज घटने का मतलब कहीं ना कहीं है कि इनके प्रोडक्ट का डिमांड काफी अच्छा आ रहा है और रोलिंग काफी फास्ट हो रहा है, विच इज अ साइन कि इन्वेंट्री डेज इनका कम हो रहा है। डेज पेबल ठीक ठाक है, उतना ही 67-70 डेज के आसपास है। सो ओवरऑल वर्किंग कैपिटल डेज इनका कम हुआ है जिसके वजह से इनका काफी कैश रिलीज हुआ है जो हम लोग को बुक्स में नजर आता है। अब हम लोग अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के खुद के पास ऑलमोस्ट 75% होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 0.02, म्यूचुअल फंड के पास 0.28 और पब्लिक के पास 25.24%। तो यहां पर क्या हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का अभी तक कोई खास बड़ा एंट्री इस कंपनी में हुआ नहीं है क्योंकि ये कंपनी मार्केट कैप वाइज अभी भी छोटी है। बट जैसा कि हम लोग देखेंगे जैसे जैसे इसके प्रोडक्ट लॉन्च होंगे आगे, हो सकता है कि कंपनी के रेवेन्यू और बड़े, मार्जिन बेटर हो तो इनका भी इंटरेस्ट इस कंपनी में आ जाए और फिर यहां से ये लोग बाइंग चालू कर सकते हैं। सो यू नेवर नो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नंबर्स एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। बट आगे बढ़ने से पहले आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा कि मुझे काफी कमेंट्स आते हैं कि आपके वीडियोस लंबे होते हैं, 40-40 मिनट का वीडियो होता है तो देखना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ इट इज वेरी डिफिकल्ट, आपके बिजी शेड्यूल से आप 40 मिनट निकाल के वीडियो देखें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट एट द सेम टाइम मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर मैं 10 मिनट का वीडियो बनाऊं या 5 मिनट का 8 मिनट का, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, जो ये चैनल स्टार्ट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव है कि रिटेल इन्वेस्टर्स तक एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, कंपनी के बारे में उनको सब कुछ पता चले, पूरा बिजनेस पता चले, उसके बाद वो एक प्रॉपर डिसीजन ले कि पैसा लगाना है कि नहीं। मेजोरिटी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा, कॉमन पर्सन को ज्यादा पता ही नहीं होता है कंपनी के बारे में और कोई उन्हें बताने वाला भी नहीं है, और सब कोई मीडिया में भी खाली ऊपर ऊपर का न्यूज आता है जिसके बेसिस पे वो लोग डिसीजन लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिसीजन गलत साबित हो सकता है। तो आई डोंट थिंक कि अगर मैं सिर्फ 10 मिनट का वीडियो में कोशिश करूं तो आपको पूरा जानकारी दे पाऊंगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 40 मिनट एक बार में नहीं देख सकते तो 10-10 मिनट करके 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में वीडियो देख लीजिए, बट आपका वो 40 मिनट जो है ना वो वर्थ होना चाहिए। आप जब 40 मिनट आप अपने लाइफ का इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चैनल पे या किसी वीडियो पे, तो उस 40 मिनट के बाद आपको लगना चाहिए कि आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज मिला है किसी कंपनी के बारे में, एंड नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि आप अपना हार्ड अर्न मनी उस कंपनी में लगाना है कि नहीं, ये डिसीजन लेने के सिचुएशन में आप हो सको। वरना क्या होगा, आप 10-10 मिनट के बहुत सारे वीडियोज देख लोगे बट अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो वो 10-10 मिनट का सारा टाइम आपका एवे ही वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप कोई भी अच्छे चैनल में जहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है वहां आप 30 मिनट 40 मिनट का अगर वीडियो है ना तो आप वो जरूर देखें और नॉलेज कंप्लीट लें और फिर उसके बाद डिसीजन लें, क्योंकि पैसा आपने जब घंटों की मेहनत से कमाया है तो वो पैसा को जहां इन्वेस्ट करना है उसके लिए अगर 40 मिनट खुद के नॉलेज के लिए इन्वेस्ट करना होना तो आपको करना चाहिए। दैट इज ऑल आई कैन से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। केमिकॉन स्पेशलिटी कंपनी क्या काम करती है, कंपनी इज इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स। ये कंपनी बेसिकली क्या करती है, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनाती है। क्वेश्चन आता है कि ये इंटरमीडिएट्स क्या होता है, तो ये फार्मास्यूटिकल का वैल्यू चेन हम लोग समझते हैं। कोई भी चीज में क्या होता है ना, फार्मा का पूरा जो वैल्यू चेन है उसमें पहले होता है बेसिक केमिकल्स, ठीक है, बेसिक केमिकल्स के बाद आता है इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स के बाद बनता है एपीआई और एपीआई से बनता है फॉर्मुलेशन, ये पूरा चेन है। तो बेसिक केमिकल होता है पहला चीज, इसी बेसिक केमिकल के मदद से इंटरमीडिएट्स बनाया जाता है।
इंटरमीडिएट से बनाया जाता है एपीआई, और एपीआई से बनता है फॉर्मुलेशन, यानी जो दवाई हम लोग बाजार में एक्चुअली खरीद के खाते हैं उसको टेक्निकल भाषा में फॉर्मुलेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये कंपनी कहां पर है, ये कंपनी बना रही है इंटरमीडिएट्स, ये इंटरमीडिएट से क्या बनेगा, एपीआई बनेगा, और फाइनली एपीआई से बनेगा जो दवाई हम लोग बाजार से खरीद के खाते हैं। तो ये कंपनी किसमें है, प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट्स में है। और दूसरा चीज क्या है, ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स, यानी ऑयल वेल जो होता है जहां से तेल निकाला जाता है, उस वेल को साफ करने में, उसको ड्रिलिंग करने में, ड्रिलिंग करके वहां पर जो कचरा जमा हो जाता है उस कचरा को हटाने में काफी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, और वो केमिकल्स बनाने का काम करती है ये कंपनी। तो दो काम है इसका, ध्यान रखिएगा, पहला फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए इंटरमीडिएट्स बनाना, और दूसरा ऑयल वेल के लिए केमिकल बनाना, जिसको हम कंप्लीशन फ्लूइड्स भी बोलते हैं। द कंपनी इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलाइज्ड केमिकल, तो ये बल्क केमिकल नहीं बनाती, ये स्पेशलाइज्ड केमिकल होता है। नाउ स्पेशलाइज्ड केमिकल और बल्क केमिकल में क्या डिफरेंस है, बल्क केमिकल ऐसा है जो जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च का जरूरत नहीं है, और वो ऐसे केमिकल होते हैं जो हर किसी के इस्तेमाल में आते हैं, इट इज नॉट कस्टमाइज्ड। जबकि स्पेशलिटी केमिकल जो होता है ये कस्टमाइज्ड होता है, जहां पर काफी रिसर्च करने के बाद उसके बाद ये प्रोडक्ट डेवलप होता है किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वहां पर क्या होता है, वॉल्यूम भले ही कम हो मार्जिन्स काफी अच्छा मिलता है, इसलिए स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को मार्केट वैल्यूएशन ज्यादा देता है। तो ये स्पेशलाइज्ड केमिकल में डील करती है, और प्रोडक्ट क्या बनाती है, एचएमडीएस सीएमआईसी जैसे प्रोडक्ट बनाती है, विच आर प्रिडोमिनेंटली यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और ये दोनों प्रोडक्ट किसमें यूज होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, इंटरमीडिएट्स के तौर पे यूज होता है, एंड इन ऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स। इसके बाद क्या बनता है, इसका इनके प्रोडक्ट्स इन ऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स बनाते हैं, जो कि प्रीडोमिनेंटली किसमें यूज होते हैं, कंप्लीशन फ्लूइड्स यानी ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स में यूज होते हैं, ऑयल फील्ड इंडस्ट्री में इनको यूज किया जाता है। तो दिमाग में अपने को जब भी ये कंपनी के बारे में सोचेंगे तो ये कंपनी में दो चीजें, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनाना और ऑयल वेल के केमिकल्स। प्रोडक्ट है एचएमडीसी, सॉरी एचएमडीएस सीएमआईसी, ये फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स है, और ऑयल वेल केमिकल में इनके पास इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स के कुछ कंपाउंड्स। तो मेन मेन प्रोडक्ट इनके पास क्या है वो समझ लेते हैं, एचएमडीएस सीएमआईसी, जिंक ब्रोमाइड और कैल्शियम ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड के मैंने बताया कुछ कंपाउंड्स हैं, तो ये दो कंपाउंड है, जिंक और ब्रोमाइड का मिला के एक कंपाउंड है, कैल्शियम और ब्रोमाइड का मिला के दूसरा कंपाउंड है। अब एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ इस्तेमाल होता है। तो जो हम लोग एचएमडीएस शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं उसका पूरा नाम क्या है, हेक्सा मिथाइल डीसाइलेनेज, या फिर हेक्सा मिथाइल डीसाइलेन। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हुआ तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, तो इतना टिपिकल नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो एचएमडीएस शॉर्ट फॉर्म में ये क्या है, ये एक कंपाउंड है, इज अ रिएजेंट एंड अ प्रीकर्सर टू बेस दैट आर पॉपुलर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सिंथेसिस के काम में ये प्रोडक्ट आता है। ये वाइडली यूज कहां पर होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, एज अ एजेंट यानी इंटरमीडिएट्स के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो जो फार्मास्यूटिकल का फॉर्मुलेशन ड्रग्स बनता है उसको बनाने में ये इस्तेमाल होता है, स्पेशली कहां पर, पेनिसिलिन रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, जो दवाई पेनिसिलिन से रिलेटेड होता है उसमें इसका इस्तेमाल काफी होता है। एंड मे ऑल्सो बी यूज इन सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। प्लीज मार्क, ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड इस कंपनी में होता है, ये बोल रहा है मे ऑल्सो बी यूज, यानी अभी इसमें रिसर्च चल रहा है या इसमें ऑलरेडी अभी डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह से एचएमडीएस जो इनका प्रोडक्ट है इसको सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ये साबित हो गया और ये मार्केट पकड़ लिया, दिस कुड बी अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर द कंपनी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज की वजह से कितना दिक्कत हो रहा है, और ताइवान इज द ओनली कंट्री जहां पर सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा होता है, और चाइना ताइवान का टेंशन को लेके वहां पर बहुत ओवरऑल सेमीकंडक्टर को लेके पूरा ग्लोबल लेवल में काफी टेंशन है, और इंडिया काफी कोशिश कर रहा है कि सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग इंडिया में ही करें, और अगर इनका एक प्रोडक्ट ऐसा हो जो सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में काम आ जाए तो इनका तो एक लॉटरी लग जाएगा।
एंड इन विनाइल सिलिकॉन रबर, और विनाइल सिलिकॉन रबर बनाने में भी एचएमडीएस काम आता है। ये क्या काम करता है? टीयरिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो विनाइल सिलिकॉन रबर कौन सा होता है, अगर आप देखोगे गाड़ी का जो जो भी ऑटोज होता है वहां पर गाड़ी के साइड में कांच के सामने वो रबर रबर जैसा कुछ लगा रहता है ना, तो वो जो होता है ना वो रबर का बात कर रहे हैं, तो वो रबर में यूज होता है। इनका क्री एट्रीब्यूट अगर कंपनी का बात करें तो दे आर ओनली मैन्युफैक्चर इन इंडिया, यानी एचएमडीएस बनाने वाला एकमात्र कंपनी अगर इंडिया में कोई है तो केमिकॉन स्पेशलिटी केमिकल है। अब सोचिए कि यही एक मात्र कंपनी है जो एचएमडीएस बनाता है, और कल को अगर एचएमडीएस का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर में अच्छा से होने लगे और इसका मार्केट एकदम जोर से पकड़ ले, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा और सबसे बड़ा टर्न अराउंड कौन सी कंपनी में होगा, यू कैन जज इट योर सेल्फ। दे आर द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड वाइड, और ऐसा ही नहीं कि खाली इंडिया में इनका धाक है, पूरे वर्ल्ड में दे आर द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, तो पूरे दुनिया में इनका धाक हो सकता है अगर सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग में ये साबित हो जाए कि इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा हो रहा है। इनका अगर बात करें तो एचएमडीएस जो है, और ये हाई प्यूरिटी एचएमडीएस है, ये हाई प्यूरिटी एचएमडीएस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट जो सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। एचएमडीएस का इनका कैपेसिटी कितना है, 4,200 टन का कैपेसिटी है। प्रोडक्शन ये लोग कर रहे हैं अभी 2068 के आसपास, यानी 49% अभी खाली यूटिलाइज हो रहा है, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा इनका यूटिलाइजेशन लेवल और बढ़ सकता है। हाई प्योरिटी एचएमडीएस में इनका कैपेसिटी अभी 600 का। एंड एप्लीकेशन कहां कहां यूज होता है, फार्मास्यूटिकल में, पेनिसिलिन ग्रुप में, सेमीकंडक्टर में यूज होता है बोल रहे हैं, सरफेस ट्रीटमेंट एजेंट ऑफ डाई एटोमाइट व्हाइट कार्बन ब्लैक टाइटेनियम एंड ब्लॉन्ड एडिटिव ऑफ फोटो रेजिस्ट। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ये सब जगह में ये इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका इस्तेमाल होता है, बाकी भी छोटे छोटे बहुत सारे यूसेज है। अब इनका जो रिवेन्यू आता है, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू बोले तो टोटल कंपनी के रिवेन्यू में 47% ऑफ रिवेन्यू या करीब करीब 50% जो बिजनेस है वो एचएमडीएस से आता है। तो इनके पास तीन ही तो मेन प्रोडक्ट है, एचएमडीएस, सीएमआईसी और बाकी ब्रोमाइड्स। तो एचएमडीएस इनका मेन प्रोडक्ट है जहां से 50% रिवेन्यू आता है, और ये 50% रिवेन्यू जो है दैट इज 122 करोड़ जो है FY22 में, 26 करोड़ का यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है और 95 करोड़ डोमेस्टिक सेल हुआ है। तो ये ओवरऑल चीज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्सपोर्ट मार्केट भी ये कंपनी धीरे धीरे पकड़ रही है। अब देखते हैं सीएमआईसी में इनका क्या बिजनेस है। तो सीएमआईसी में क्या है, सीएमआईसी का मतलब होता है क्लोरोमिथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बोनेट, ठीक है, क्लोरोमिथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बोनेट। तो सीएमआईसी जो है इट इज एन एंटीवायरल ड्रग, यानी ये ऐसा दवाई है जो वायरस के बीमारी के अगेंस्ट में काम आता है, इट इज एंटीवायरल ड्रग। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यानी ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, जैसा मैंने बताया ये कंपनी फिनिश प्रोडक्ट तो बनाती नहीं, ये उस फिनिश प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट बनाती है। तो ये जो सीएमआईसी जो प्रोडक्ट है ये अल्टीमेटली कौन से दवाई बनाने में काम आता है, वो दवाई जो कि एंटीवायरल ड्रग है, तो वो दवाई बनाने में ये इंटरमीडिएट काम आता है, विच इज अ की इंटरमीडिएट फॉर एंटी एड्स, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट किस में काम आता है, एंटी एड्स का दवाई बनाने में, एंटी हेपेटाइटिस बी का बनाने में, और टेनोफोविर बोल के एक ड्रग है उसको बनाने में इसका काफी इस्तेमाल होता है। द डाउनवर्ड स्ट्रीम ऑफ क्लोरोमिथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बोनेट यानी सीएमआईसी, टेनोफोविर इज अ न्यूक्लियोटाइड एंटीवायरल ड्रग डेवलप्ड बाय गाइलेड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएस। तो यूएस का जो एक कंपनी है गाइलेड कॉर्पोरेशन, वो टेनोफोविर बनाती है, और हो सकता है कि वो कंपनी इनसे सीएमआईसी खरीदती हो, तो वेरी बिग पॉसिबिलिटी। तो दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड वाइड, तो आप समझ लो कि ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर पूरे दुनिया में, तो नो डाउट कि ये इन्हीं से खरीदते होंगे। कैपेसिटी इनका कितना है, FY22 में 1800 टन का कैपेसिटी है, प्रोडक्शन 1295 टन का हुआ, 72% ये यूटिलाइज हो रहा है। एंड एप्लीकेशन का बात करें तो CMIC इज मेनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज अ की इंटरमीडिएट, पर कौन सी चीज के लिए, एंटी एड्स, एंटी हेपेटाइटिस बी, इस तरह के दवाई के लिए ये इंटरमीडिएट का काम करती है। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ अदर एंटीवायरल ड्रग्स, और भी एंटीवायरल ड्रग्स में ये इस्तेमाल किया जा सकता है आगे। रिवेन्यू का 26% ऑफ द रिवेन्यू इस प्रोडक्ट से आता है, FY21 में इट वॉज 35%। आई कैन अंडरस्टैंड क्यों हुआ होगा, क्योंकि FY21 में कोरोना काफी फैल गया था,
और इनका ये जो है ये एंटी वायरल ड्रग बनाने में काम आता है, तो कोरोना से रिलेटेड जो जो दवाई बनी होंगी उसमें इसका डिमांड आया होगा, तो इस वजह से 35% था, बट अभी जैसे ऐसे कोरोना नॉर्मलाइज हो रहा है दोबारा से ये 26% पे आ गया। अब देखते हैं ऑयल वेल कंप्लीशन जो केमिकल है इनका उसमें क्या है, तो उसमें दे आर इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स। ये जो ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल से ये क्या है, इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स है। इसमें क्या क्या आता है, कैल्शियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड, ये तीन प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें इनके पास जो दो मेन प्रोडक्ट है वो है कैल्शियम और जिंक। सोडियम है बट उतना ज्यादा नहीं। ऑयल वेल केमिकल्स आर यूज्ड टू कंप्लीट द वेल एंड इज नॉर्मली अ सॉल्टी सॉल्यूशन। तो ये वेल को कंप्लीट करने में मदद करता है ये केमिकल। जब भी ऑयल का ड्रिलिंग का काम होता है तो उसमें बहुत कचरा फंस जाता है जैसे मैंने बताया, उसको साफ करने में ये काम आता है। इन एडिशन टू क्लीनिंग द वेल बोर आफ्टर द ड्रिलिंग इज फिनिश्ड, कंप्लीशन केमिकल इज यूज टू कंट्रोल द प्रेशर। ये प्रेशर कंट्रोल करने में भी काम आता है डाउन होल प्रायर टू एंड वाइल वेल कंप्लीशन। वी मैन्युफैक्चर अ रेंज ऑफ इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स, नेमली कैल्शियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड एंड सोडियम। तो सोडियम भी ये लोग बनाते हैं, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है, पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है सोडियम। जिंक ब्रोमाइड जो है वो सिर्फ सॉल्यूशन के तौर पे मिलता है, कैल्शियम भी जो है वो पाउडर और सॉल्यूशन यानी लिक्विड दोनों के तौर पे मिलता है। दे आर द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ जिंक ब्रोमाइड इन इंडिया एंड दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड इन इंडिया। इंडिया में दे आर द ओनली मैन्युफैक्चरर, नॉट द वर्ल्ड। ठीक है, सीएमआईसी में तो क्या था, दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, पर यहाँ पर जो है जिंक ब्रोमाइड में दे आर द ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, और कैल्शियम ब्रोमाइड में इंडिया में और भी कुछ लोग बनाते होंगे बट सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर यही है। कैपेसिटी की बात करें तो 15,000 टन का कैपेसिटी है और अभी सिर्फ 2,700 टन यूज हो रहा है, यानी इनके पास ऑलरेडी काफी अच्छा केपेक्स करके रखा है, कैपेसिटी हद से ज्यादा ऑलरेडी इनके पास है। अब बस यही है कि मार्केट में डिमांड आना फटाफट चालू हो और इनका जो प्रोडक्ट का डिमांड जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे इनका यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेगा, और जब यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेगा ना इनको ऑपरेटिंग लिवरेज काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस समय इनको कोई एक्सपेंशन में खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी द कैपेसिटी इज इन प्लेस। सोडियम ब्रोमाइड कहाँ यूज होता है, यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद सोडियम क्लोराइड और जिंक ब्रोमाइड टू फॉर्म क्लियर वर्क अराउंड द ड्रिलिंग फ्लूइड्स। जिंक ब्रोमाइड क्लियर सॉलिड फ्री ब्राइन फ्लूइड है ये, एंड इट कैन बी यूज विद अदर ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड टू प्रिपेयर नॉन डैमेजिंग लिक्विड्स। ऐसा लिक्विड बनाते हैं ताकि उससे जो ऑयल का जो वेल है ना उसमें किसी भी तरह का कोई डैमेज ना हो जाए। एंड कैल्शियम ब्रोमाइड ये यूज एज अ कंप्लीशन एंड वर्क ओवर फ्लूइड टू कंट्रोल द प्रेशर, कि वेल में जो प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने में ये कैल्शियम ब्रोमाइड काम करता है। इनका बात करें तो 23% ऑफ द टोटल रेवेन्यू यहां से आता है, टोटल 60 करोड़ का रेवेन्यू यहां से आया है, जिसमें 23 करोड़ का रेवेन्यू डोमेस्टिक है और बाकी 37 करोड़ का जो रेवेन्यू है ये एक्सपोर्ट से आया है, तो दैट इज इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर है। तो इनके पास टोटल अभी तक 8 प्लांट्स हैं, इनके पास 9 और 10 इस पे काम चल रहा है, ये लोग अभी ऑपरेशनल नहीं है जैसा हम देख सकते हैं। तो ये जो 9 वाला है ये प्रपोज मल्टीपर्पज कैपेसिटी प्लांट होगा, इसमें फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाएंगे, यानी फार्मा इंटरमीडिएट्स यानी जो शुरू के सीएमआईसी और एचएमडीएस जो प्रोडक्ट है वो बनेगा, और नंबर 10 में भी फार्मा इंटरमीडिएट्स बनेगा, तो ये दोनों में फार्मा इंटरमीडिएट्स बनेगा। और ये ऑपरेशन कब होगा, ये सेकेंड क्वार्टर में हो जाएगा और ये फोर्थ क्वार्टर में हो जाएगा, इट इज एक्सपेक्टेड। तो सेकेंड क्वार्टर में वी हैव ऑलरेडी इंटर्ड, वी आर इनटू अगस्त नाउ, तो हम लोग ऑलरेडी सेकेंड क्वार्टर में इंटर कर चुके हैं, तो कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है कि ये कैपेसिटी चालू होगी, यानी प्लांट 9 इज ऑलरेडी स्टार्टेड। प्लांट 10 चालू होगा फोर्थ क्वार्टर तक, यानी नेक्स्ट ईयर के जनवरी या फरवरी में स्टार्ट होने का चांसेस है। तो यहाँ पर अब बाकी प्लांट्स में लोग देख सकते हैं किसमें कितना कैपेसिटी है, तो आप इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप पूरा डिटेल नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप सिर्फ देख सकते हैं ढंग से कि किसमें कितना कैपेसिटी है। दे आर लोकेटेड एट मंजूसार नियर वडोदरा एंड गुजरात। तो इनका अब एक रिस्क ये है कि इनके पास जितना भी कैपेसिटी है ना सब एक ही प्लांट में, यानी एक ही लोकेशन पे एक ही जो यूनिट है उसी में ये सारे प्लांट्स है, यानी कैंपस एक ही है उसी में ये 8-9 जो 10-10 प्लांट है वो वहीं पर है। तो दिक्कत ये है कि कल को अगर वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाए किसी तरह का तो इनका डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, और ये थोड़ा रिस्की चीज है। और आए दिन क्या होता है केमिकल कंपनीज में हम लोग देखते हैं, कभी पॉल्यूशन बोर्ड से कोई नोटिस आ जाता है, कभी कुछ फायर का इंसिडेंट हो जाता है, तो ऐसा कुछ कभी बाढ़ वाड़ आ जाता है वहां पर, तो क्या होता है कि जब एक ही जगह आपका प्लांट है और उसी में कुछ हो जाए ना तो आपका तो ऑलमोस्ट पूरा धंधा बंद हो सकता है, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है इस कंपनी में।
इसीलिए जनरली आप जब भी बड़े बड़े केमिकल कंपनीज को आप देखेंगे तो उनका प्लांट दो तीन अलग अलग जगह स्टेट्स में प्लांट है कि अगर एक जगह कोई दिक्कत हो भी जाए तो उतना बड़ा कंपनी को डैमेज ना हो। तो यहाँ थोड़ा सा ये रिस्क को हमेशा ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट को करना पड़ेगा। तो 8 ऑपरेशनल प्लांट है, 2 प्रपोज्ड एक्सपेंशन आ रहा है इनका, इन हाउस R&D इनके पास है, 3 ओन्ड एंड 3 6 ओन्ड एंड 3 लीज्ड वेयर हाउसेज है, और 2 मार्केटिंग ऑफिसेज इनके पास ऑलरेडी है। अब मैनेजमेंट का क्या कमेंट्री है इसको लेके, ये सब इंटरेस्टिंग होगा कि जो एक्सपेंशन आ रहा है उसको लेके मैनेजमेंट का क्या आगे का प्लान, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। वी वुड लाइक टू हाईलाइट दैट वी हैव सक्सेसफुली कमेंस्ड कमर्शियल प्रोडक्शन इन प्लांट 8। तो प्लांट 8 इनका FY22 में सक्सेसफुली चालू हो गया, एंड हैव एडेड द कैपेसिटी ऑफ 2400 मेट्रिक टन ऑफ TMCS एनुअली। अब क्वेश्चन आता है कि TMCS का तो हम लोगों ने अभी तक जिक्र ही नहीं किया, तो ये नया प्लांट TMCS का क्या लग गया? हम लोगों ने तो जो अभी तक बात किया है HMDS का बात किया, CMIC का बात किया या ब्रोमाइड्स का बात किया, ये TMCS क्या है? तो दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ TMCS। यानी TMCS क्या है, ये वो रॉ मटेरियल है जिससे ये लोग HMDS बनाते हैं। अब HMDS बनाने के लिए जो इनको TMCS चाहिए वो नॉर्मली कंपनी इंपोर्ट किया करती है, और अभी जो प्लांट 8 में ये जो कैपेसिटी इन्होंने लगाया है इससे ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट को रिड्यूस करेंगे। द रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ऑफ TMCS एंड ऑल्सो इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ HMDS। कि TMCS हम लोग खुद अपने फैक्ट्री में जब बना लेंगे और हम लोग को रॉ मटेरियल का सप्लाई खुद अपने घर से होने लगेगा तो हम लोग का HMDS का भी जो प्रोडक्शन है वो आगे चल के हम लोग बढ़ाएंगे। तो दिस इज द एम। फिर बोल रहे हैं वी विल कंटिन्यू टू सोर्स TMCS थ्रू इंपोर्ट। ऐसा नहीं कि इंपोर्ट बंद कर देंगे, अभी हम लोग के पास HMDS का जो कैपेसिटी है उसके लिए जितना इंपोर्ट करना पड़ रहा है हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो नया हम लोग बैकवर्ड कर रहे हैं उससे हम लोग नया HMDS बनाएंगे, तो वहां पर हम लोग को इंपोर्ट जो यहां पर करना पड़ रहा है यहां पर किसी भी तरह का इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, कि ऐसा नहीं है कि ये वाला बिजनेस हम बंद कर देंगे या यहाँ पर इंपोर्ट बंद कर देंगे। यहाँ इंपोर्ट जो चल रहा है वो चलता रहेगा, यहाँ HMDS का जो कैपेसिटी है उसके लिए TMCS आ रहा है इंपोर्ट होके वो आते रहेगा। नया हम लोग HMDS का जो एडिशनल प्रोडक्शन करेंगे उसमें TMCS जो होगा वो अपने घर से ही मिलेगा, तो हम लोग को नया कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? तो TMCS को हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंटिन्यू टू सोर्स TMCS थ्रू इंपोर्ट फॉर एग्जिस्टिंग HMDS। वी एम टू अटेन बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो यहाँ इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन अटेंड करें टू गेन बेटर कंट्रोल ऑफ सप्लाई चेन, कि सप्लाई चेन में हम लोग का कंट्रोल बेटर हो जाए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। CMIC बिजनेस को लेकर मैनेजमेंट ने क्या कहा है, बोल रहे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू 68 करोड़ वाज डिराइव्ड फ्रॉम CMIC इन द ईयर गॉन बाय। ग्लोबल सप्लाई चेन हैज डिसरप्टेड मेनी फार्मास्यूटिकल MNCs एंड देयर ओवरऑल बिजनेस। यानी जो ग्लोबल सप्लाई चेन में जो दिक्कत आया FY22 में, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज का पूरा डिसरप्शन हो गया। द ओवरऑल डिमांड फॉर CMIC केमिकल इज स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव हेल्दी इंक्वायरीज फॉर अपकमिंग ईयर। और अपकमिंग ईयर में बोल रहे हैं हम लोग के पास काफी अच्छा इंक्वायरीज आ रहा है। वी हैव एडेड एन एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 1200 मेट्रिक टन एट P8। तो P8 में इन्होंने ये एक्सपेंशन भी किया है CMIC का, मेकिंग अस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट CMIC प्रोड्यूसर। तो इसके बाद ये लोग दुनिया के सबसे लार्जेस्ट CMIC प्रोड्यूसर हो गए हैं, इनके पास 3000 मेट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी। तो दिस इज द लार्जेस्ट कैपेसिटी जो दुनिया में किसी के पास हो सकता है CMI, मतलब है, सॉरी, हो तो सकता है बहुत कुछ, जो कैपेसिटी आज के डेट में है दुनिया में इनके पास सबसे ज्यादा है, और कितना है, 3000 मेट्रिक टन पर एनम का इनके पास कैपेसिटी है। ब्रोमाइड बिजनेस को देखते हैं क्या है, ब्रोमाइड बिजनेस में इनका क्या है, वी हैव ऑल्सो विटनेस्ड अ मार्जिनल प्रोग्रेस इन आवर ब्रोमाइड बिजनेस वेयर अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ ऑफ द टोटल रिवेन्यू वेयर एडेड बाई ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स। तो टोटल रिवेन्यू में से 60 करोड़ जो है ना वो खाली ऑयल वेल केमिकल से आया था इन FY22। द ओवरऑल ऑनशोर ऑयल एंड गैस वेल्स आर ग्रोइंग ग्रेजुअली। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ते जा रहा है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑयल वेल का ड्रिलिंग का डिमांड, मतलब रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, जिसके वजह से ये जो ब्रोमाइड केमिकल है ना इसमें डेफिनेटली आगे चल के डिमांड बहुत अच्छा आएगा। बिकॉज वो मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि इट इज ग्रोइंग ग्रेजुअली इन ड्रिलिंग एंड कंप्लीशन फ्लूइड्स मार्केट। वी हैव हेल्दी इंक्वायरीज फॉर वेरियस ब्रोमाइड्स एंड एक्सपेक्ट मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रोमाइड सेगमेंट इन रेवेन्यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर FY23।
कि इस साल भले FY22 में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इससे नहीं आया है, बट आने वाले समय में वी कैन एक्सपेक्ट कि इससे काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। अब केपेक्स और एक्सपेंशन को लेके मैनेजमेंट का क्या बोलना है? बोले कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ P9 हैव बीन एक्सपेक्टेड टू कमर्शियलाइज इन Q2। तो P9 जैसा मैंने बताया सेकेंड क्वार्टर यानी कभी भी अपडेट आ सकता है इन FY23। वी आर ऑलरेडी इन Q2, तो हम लोग के कभी भी देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट आ सकता है। वी विल ऐड फ्यू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड फ्यू न्यू प्रोडक्ट्स। तो बोल रहे हैं कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हम लोग इसमें बनाएंगे और कुछ न्यू प्रोडक्ट्स बनाएंगे P9 यूनिट में। अभी न्यू प्रोडक्ट्स क्या है हम लोग को नहीं पता है, बट जैसा कि देखने में लगता है स्पेशलिटी केमिकल में अगर नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो हो सकता है कोई डाउनवर्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट ये लोग बनाए, HMDS का या CMIC का कुछ और एक नया डाउनवर्ड डेरिवेटिव निकल के आए, और वहां पर क्या होगा इनका मार्जिन काफी इंप्रूव हो सकता है। बट दैट इज समथिंग वी नीड टू वॉच आउट फॉर। अभी हम लोग कुछ भी गेस नहीं करेंगे। ऑन द अदर एंड वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट वी हैव स्टार्टेड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ P10। P10 का भी कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है उसी लोकेशन में, और यहां पर हम लोग बनाएंगे फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो यहां पर ये लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ग्रोथ ड्राइवर क्या है? कैपेसिटी एक्सपेंशन जो कंपनी का हो रहा है, दैट इज फिर इनके जो भी प्रोडक्ट है वो काफी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, HMDS, CMIC, ये इंडिया में नॉर्मली इंपोर्ट किया जाता है, तो इनका जितना भी प्रोडक्शन बढ़ेगा सारा इंडिया में ही ऑब्जॉर्व हो जाएगा। तो इनको ऐसा कोई नहीं है कि डिमांड का कोई दिक्कत आएगा, अभी तो इनफैक्ट सप्लाई कम है, डिमांड इतना ज्यादा है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा, दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू एप्लीकेशंस, क्योंकि ये लोग काफी एक्सप्लोर कर रहे हैं। दे एम टू एक्सपैंड द सेल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स टू अदर इंडस्ट्रीज वेदर प्रोडक्ट्स हैव एप्लीकेशन। तो ये लोग अब बातचीत कर रहे हैं दूसरे इंडस्ट्री वालों के साथ कि हमारा प्रोडक्ट आपके इस प्रोडक्ट में यूज हो सकता है, आप ट्राई करके देखो। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि HMDS जो है कि बोल रहे हैं वी एम टू मार्केट आवर प्रोडक्ट्स फॉर द एंड यूज एप्लीकेशन इन अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग रबर एंड सेमीकंडक्टर। तो बोल रहे हैं हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, अभी हम लोग को पता चल रहा है कि रबर बनाने में और सेमीकंडक्टर बनाने में भी हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो सकता है या होता है। तो हम लोग इंडस्ट्री वालों से काफी बात कर रहे हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट से एक बार ट्राई करें। तो वो लोग अभी ट्रायल लेंगे, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो काफी बड़ा ऑर्डर इनको मिल सकता है। कंपनी हैज रिसेंटली कमीशन अ न्यू प्लांट स्पेसिफिकली टू प्रोड्यूस हाई प्यूरिटी HMDS विच फाइंड्स यूसेज इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो ये लोग ऑलरेडी हाई प्योरिटी HMDS बनाना चालू कर दिए हैं, और इसका श्योर शॉट है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है। फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। कॉस्ट एफिशिएंसी क्या है? दे हैव द लार्ज सिंगल लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग। अब सिंगल लोकेशन का मैंने रिस्क बताया कि कभी भी प्लांट को कुछ हो जाए तो पूरा बिजनेस को दिक्कत होता है, बट उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि सिंगल लोकेशन में जब आपका सारा मैन्युफैक्चरिंग है ना तो आपका कॉस्टिंग बहुत कम आता है, यू कैन बिकम द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। तो वहां पर ये बेनिफिट इनको मिलता है, डेडिकेटेड प्लांट फॉर ईच प्रोडक्ट। अब इनके पास हर एक प्रोडक्ट के लिए डेडिकेटेड प्लांट है, तो जब आपका प्रोडक्ट के लिए डेडिकेटेड प्लांट होते हैं ना आपके पास, तो वहां पर क्या होता है आपको मल्टीपर्पज प्लांट में क्या दिक्कत होता है आप समझिए कि एक ही प्लांट है मेरे पास, अब उसमें हम ABC तीन अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके बीच में बी का ऑर्डर आ गया तो मेरे को क्या करना पड़ता है कि ए का प्रोडक्शन को बीच में रोकना पड़ता है, जितना भी उसमें मटेरियल या कुछ डाला हुआ है उसको दोबारा से निकालो पूरा बाहर, फिर उसमें बी डालो, बी के हिसाब से मशीन को सेट करो एंड फिर मशीन को चलाओ। तो देर इज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो वहां पर लेबर का टाइम बहुत वेस्ट होता है और प्रोडक्शन बहुत हैम्पर होता है। तो वहां पर कंपनी जब छोटी होती है तो उनके पास उतना कैपिटल नहीं होता है, तो वहां पर उनके मजबूरी होती है कि हम लोग मल्टीपर्पज प्लांट ही बनाए, कि वहां पर दो एक ही प्लांट में हम लोग दो तीन केमिकल बनाने लायक सिचुएशन है। पर जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगता है, जैसे जैसे प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट आने लगता है, कंपनी क्या करती है डेडिकेटेड प्लांट्स बनाती है कि ठीक है मेरे पास ये प्लांट है, इसमें ए बनाते जाएंगे, बी का ऑर्डर आएगा तो बी के लिए अलग प्लांट है, तो मेरे को ए का प्रोडक्शन को रोकना नहीं पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। तो दैट इज समथिंग कंपनी इज एमिंग एट, और ये क्या होता है ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट्स डेडिकेटेड होते जाते हैं कंपनी का मार्जिन बढ़ते जाता है। और आप खुद देख सकते हो, अगर चार्ट आप देखोगे जैसा मैंने आपको दिखाया अभी कि पहले 23%, 24%, 25% का मार्जिन होता था, अभी इनका 34, 35, 36% का मार्जिन होता है। तो जितना डेडिकेटेड प्लांट्स बढ़ते जाएगा, डिमांड आते जाएगा, आप देखोगे ये मार्जिन और भी ज्यादा ऊपर जाएगा। प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर एफिशियंट रॉ मटेरियल कंजम्पशन। इन लोग के पास प्रोसेस री इंजीनियरिंग का पूरा फैसिलिटी है। प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जिस प्रोसेस से हम बना रहे हैं उसी प्रोसेस को चेंज करेंगे, हम थोड़ा सा प्रोसेस में इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग करेंगे ताकि हम लोग कम रॉ मटेरियल में उतना ही आउटपुट निकाल सके। तो दिस इज व्हाट द रिसर्च डज।
रिसर्च का फायदा क्या होता है, आप प्रोसेस री इंजीनियरिंग का जब रिसर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि कम इनपुट में हम उतना ही आउटपुट निकाल सकें। तो ये इनके पास फैसिलिटी है जो इनको लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनाती है। तो दिस इज समथिंग गुड फॉर द कंपनी, ये सारे कंपनी के पास एडवांटेज हैं। कंपनी का स्नैपशॉट अगर आप देखें तो आप इसमें पॉज करके देख सकते हो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, दे आर द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ एचएमडीएस इन इंडिया, दे आर द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड वाइड, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सीएमआईसी, ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ जिंक ब्रोमाइड एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड इन इंडिया। उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पर है, मंजूसर में जो कि वडोदरा गुजरात में है। बिजनेस वर्टिकल्स दो ही है, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स एंड ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स। 8 ऑपरेशनल प्लांट है, 2 ऑलरेडी अभी ऑनलाइन है जो कभी भी चालू हो सकता है। इवोल्यूशन आप यहां पर चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कंपनी किस तरह से 89 से स्टार्ट होते थे, आज यहां पर किस तरह से पहुंची। मैं लास्ट 2-3 साल का बता दूं कि क्या हुआ है। FY20 में इन्होंने HMDS का कैपेसिटी लगाया था प्लांट 7 में। FY22 में प्लांट 2 इन्होंने कमीशन किया था विद कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर 600 MTPA ऑफ हाई प्यूरिटी HMDS जो कि यूज होता है सेमीकंडक्टर में। और FY22 में इन्होंने CMIC और TMCS का कैपेसिटी प्लांट 8 में बढ़ा दिया। ग्लोबल लेवल का बात करें तो 37% ऑफ द रेवेन्यू, जो क्वार्टर 4 का मैं बात कर रहा हूँ, 37% ऑफ द रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आया था। और एक्सपोर्ट्स इनका कहाँ कहाँ पर होता है, US में, जापान, यूनाइटेड अरब इटली, साउथ कोरिया, जर्मनी, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब में इनका काफी एक्सपोर्ट होता है। एंट्री बैरियर, ये हम लोग को ध्यान से देखना होगा कि बिजनेस में एंट्री बैरियर क्या है। तो पहला कि ये कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है तो इसमें काफी रिसर्च चाहिए होता है, तो कोई भी नई कंपनी एक ही दिन में आके यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकती। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड यानी कस्टमर अक्वायर करने के लिए आपको 3-4 साल तो खाली अपने प्रोडक्ट का डेमो करना पड़ता है, उसका अलग अलग बॉडी से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, उसी में 3-4-5 साल लग जाते हैं, तो जेस्टेशन पीरियड इज क्वाइट लॉन्ग। इम्प्यूरिटी मेजर्स काफी स्ट्रिंजेंट है, तो वहां पर कंपनी को बहुत, कोई भी नई कंपनी को बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से होके गुजरना पड़ता है। रेगुलेटरी नॉर्म्स आर स्ट्रिक्ट। हाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी जो कस्टमर हमसे सामान ले रहे हैं, अगर वो हमसे नहीं लेके हमारे किसी कॉम्पिटिटर से सामान लेना चालू करेंगे तो उनके लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा। और इसीलिए क्या होता है, जब तक एक कस्टमर कोई है जो हमारे प्रोडक्ट से खुश है, हमारे रेट से खुश है, उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कोई ओवर रेट चार्ज कर रहे हैं उनसे, हमारा प्रोडक्ट उनके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तब तक वो लोग हमारे कॉम्पिटिटर से सामान नहीं लेंगे, क्योंकि उनको रिप्लेस करने का जो खर्चा है ना वो काफी ज्यादा पड़ जाएगा। लॉन्ग टर्म रिलेशन इनके पास इनका किन किन के साथ है, अगर फार्मास्यूटिकल डिविजन में देखें तो HMDS में इनके पास लॉरस लैब, इंडस्विफ्ट, अरबिंदो फार्मा, संजय केमिकल्स, ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। CMIC में अरबिंदो फार्मा, हेटेरो, संजय केमिकल अगेन इनके क्लाइंट्स हैं। और फिर ऑयल वेल कंप्लीशन में इनके पास वाटर सिस्टम, श्री राधा ओवरसीज एंड सीसी ग्रान लिमिटेड इनके पास है। तो टॉप 5 कस्टमर से इनके पास less than 50% ऑफ द रेवेन्यू आता है। तो ये चीज हम लोग को बताता है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई गिने चुने कस्टमर पे डिपेंडेंट है। तो टॉप 5 से खाली 50% रेवेन्यू आ रहा है, टॉप 10 से भी क्या आ रहा है, less than 65% आ रहा है। तो वहां पर भी ऐसा है कि टॉप 10 कस्टमर, ऐसा नहीं है कि हम लोग गिने चुने 10 कस्टमर पे पूरी तरह से रिलाई करते हैं। फ्यू कस्टमर्स हमारे पास 2 डिकेड ओल्ड है, ऐसे ऐसे कस्टमर है जो 20-20 साल से हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं और उनको हमारे से कोई कंप्लेन नहीं है। टॉप 7 कस्टमर्स जो हमारे हमारे जो टॉप 7 कस्टमर है वो हमारे साथ पिछले 4 सालों से जुड़े हुए। तो 4 सालों से अगर जुड़े हुए मतलब हमारे सर्विस से, हमारे प्रोडक्ट से दे आर सेटिस्फाइड एंड वेल इक्विप्ड टू रिटेन मार्केट और लीडिंग टू इंक्रीज न्यू प्रोडक्ट। और बोल रहे हैं हम लोग नया नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जहां पर हम लोग और भी नए नए कस्टमर्स के साथ आगे चल के बिजनेस करेंगे। मूविंग अप द वैल्यू चेन जो कंपनी बोलना चाह रही है कि कैसे हम लोग का जो बिजनेस है, पहले CMIC बनाते थे, वहां भी रिवेन्यू बढ़ रहा है हम लोग का। HMDS में रिवेन्यू काफी बढ़ा है, FY15 से 22 में बहुत बढ़ा है रिवेन्यू। ब्रोमाइड्स में रिवेन्यू बढ़ा है और अब अदर्स जो नए नए छोटे मोटे प्रोडक्ट है उसमें भी रिवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये लोग काफी वैल्यू चेन में ऊपर जाते जा रहे हैं जहां मार्जिन इनका और भी आगे बढ़ते जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अगर बात करें तो काफी एक्सपीरियंस टीम है। ये जो मिस्टर कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल है जो चेयरमैन और MD है, ही होल्ड्स डिप्लोमा इन पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, ही हैज मोर देन 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन स्पेशलाइज्ड केमिकल इंडस्ट्री। तो ये बताता है कि मैनेजमेंट जो है उनको अपने बिजनेस का कंप्लीट नॉलेज है। जो राजेश गांधी जी है ही होल टाइम डायरेक्टर है, ही होल्ड्स अ बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, ही हैज मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस।
नवदीप नरेश गोयल डिप्यूटी एमडी जो है, ही इज करेंटली एसोसिएटेड विद सुपर इंडस्ट्रियल लाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड इन अ कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। ही हैड मोर देन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द ऑपरेशंस। तो हम लोग देख सकते हैं कि मैनेजमेंट काफी एक्सपीरियंस्ड है। की सर्टिफिकेट्स इनको आईएसओ सर्टिफाइड है, रीच कंप्लायंस से सर्टिफाइड है, इनका आरएनडी फैसिलिटी इनके पास है। आरएनडी में क्या है, ये आरएनडी में क्या क्या काम कर सकते हैं, ये लोग टेस्ट करने का काम करते हैं आरएनडी में कि रॉ मटेरियल जो आया ठीक आया कि नहीं, नया प्रोडक्ट जो बन रहा है वो अच्छा बन रहा है कि नहीं। फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हैं अलग अलग स्टेजेस में मैनुफैक्चरिंग के, एंड दे आर वेल इक्विपमेंट विद न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। इन्वायरमेंट में दे आर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के साथ वो लोग पूरी तरह से काम करते हैं, वो लोग सारा जो भी इन्वायरमेंटल लॉज है उसको पूरी तरह से निभाने का काम करते हैं, चाहे वो वाटर प्रिवेंशन का हो, एयर प्रिवेंशन का हो। दे आर ए कंप्लीट जीरो डिस्चार्ज कंपनी, विच इज इंटरेस्टिंग कि ये पूरी तरह से जीरो डिस्चार्ज कंपनी है। फिर अब ग्लोबल मार्केट शेयर देखिए कि कौन से प्रोडक्ट में कितना मार्केट शेयर है। तो ग्लोबल मार्केट कैपेसिटी एज पर करंट ईयर 19 जो है एचएमडीएस में 35,700 टन का है। ग्लोबल प्रोडक्शन जो है 25,400 टन का है, जिसमें केमकॉन का प्रोडक्शन अभी सिर्फ 2,070 टन के आसपास है। तो काफी बड़ा इनके पास मार्केट है कि कितना बड़ा मार्केट ये लोग अभी भी पकड़ सकते हैं। सीएमआईसी टोटल 6,880 है, उसमें ग्लोबली 3,927 बनता है, केमकॉन बनाता है 1,295, तो लेस देन 30%। और ऑयल वेल केमिकल्स में 3,62,000 टन का कैपेसिटी है, प्रोडक्शन होता है 2,46,000 का, 2,46,000 का प्रोडक्शन होता है। ये लोग तो सिर्फ 2,700 टन का प्रोडक्शन करते हैं, तो लेस देन 1%। यानी अभी भी अगर ग्लोबल लेवल पे हम बात करें, भले ही दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबल लेवल पे भी, तो भी अगर हम बात करें तो ग्लोबल में जितना रिक्वायरमेंट है या जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी है उसके मुकाबले अभी इनका प्रोडक्शन काफी कम हो रहा है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी और इनको बढ़ाना पड़ेगा। फिर वे फॉरवर्ड आगे अगर कंपनी का मैं बात करूं तो कंपनी का आगे का क्या प्लान है कि दे कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो जितना फार्मा में ग्रोथ आएगा उतना फार्मा के इंटरमीडिएट्स में ग्रोथ आएगा। मॉडरेट रिकवरी ये लोग देख रहे हो ऑयल इंडस्ट्री में, और अभी तो हम लोग रिसेंटली तो काफी हाई देख ही रहे हैं, तो वहां पर जितना रिकवरी आएगा उतना इनके ऑयल के जो केमिकल्स है वो बिकेंगे। और नया अपॉर्चुनिटी ये लोग ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं रबर प्रोडक्ट्स में, सेमी कंडक्टर में ये लोग नया अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, और होपफुली इनको ये अपॉर्चुनिटी आगे मिल भी जाएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड्स का अगर देखें कि किस तरह से कंपनी ने फाइनेंशियली परफॉर्म किया है, तो इनका जो रेवेन्यू अगर हम देख सकते हैं तो रेवेन्यू काफी 13% के कैगर से ग्रो किया है। इबिटा जो 45 करोड़ का हुआ करता था FY 18 में, वो आज 81.6 करोड़ का हुआ है, तो 16% के कैगर से ग्रो कर रहा है। पैट का मैं बात करूं तो पैट में 24% का ग्रोथ आ रहा है, 26 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी आज ऑलमोस्ट 63 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। ज्योग्राफी वाइज बात करूं तो डोमेस्टिक में मार्केट बढ़ते जा रहा है इनका, या यहाँ पर थोड़ा सा डिप किया है मैं बोलूंगा, 52% था, वहां से 68 हुआ, 60 हुआ, 71 हुआ, 63 हुआ, पर यहाँ से अभी क्या है 71 से थोड़ा सा गिर गया है। पर एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, इनका बढ़ रहा है, 37% इनका बिजनेस कहाँ से आ रहा है, एक्सपोर्ट से आ रहा है, तो विच इज अ गुड साइन। बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूं तो फार्मास्यूटिकल केमिकल्स जो इंटरमीडिएट है वहां से 76% बिजनेस आ रहा है, जो पिछले साल 87% यहां से था। तो पिछले साल तो थोड़ा एबनॉर्मल ईयर हो गया, तो इसको एक बार कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें क्या था। तो उसमें फार्मा से 63% आया करता था, अभी 76% हो गया। और ऑयल वेल से हम लोग देखेंगे पिछले साल सिर्फ 13% था, जो इस साल 23% हो गया। प्रोडक्शन वॉल्यूम इनका FY 19 में काफी बड़ा था, जो कि अभी धीरे धीरे थोड़ा रिकवर हो रहा है लॉकडाउन के बाद। ये FY 19 में यानी प्री कोविड लेवल तक अभी भी प्रोडक्शन पहुंच नहीं पाया किसी वजह से, तो ये थोड़ा सा देखने वाला होगा कि प्रोडक्शन आगे चल के बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। फिर यहां पर लोग देख सकते हैं FY 18 से लेके FY 22 तक इनका टोटल रिवेन्यू किस तरह से बढ़ा है। सीएमआईसी से HMDS का रिवेन्यू 122 करोड़ के आसपास रहा है, 121 122 पिछले 2 साल में। सीएमआईसी का रेवेन्यू पिछले साल काफी बढ़ गया था, इस साल दोबारा से नॉर्मल होके 68 हुआ, पर प्री कोविड से ऊपर चला गया, तो हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड ये इंप्रूव हो रहा है। ऑयल वेल का डिमांड पिछले साल बहुत डाउन था लॉकडाउन और ये सब की वजह से, दोबारा से अब ये
प्री कोविड लेवल तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। फिर यहां पर एचएमडीएस का अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम देखें तो पिछले 2 साल में तो काफी अच्छा प्रोडक्शन वॉल्यूम हुआ था, इस साल थोड़ा सा प्रोडक्शन डाउन हुआ है। फिर यहां पर सीएमआईसी में भी देखें तो प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन हुआ है, पर अगर प्री कोविड लेवल से देखें तो प्रोडक्शन बढ़ा है, पिछले साल थोड़ा सा एक्सेप्शनल था। ऑयल वेल में भी देखें तो पिछले साल के मुकाबले अभी यहाँ पर प्रोडक्शन काफी बढ़ रहा है, तो ये सारा चीज थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। और जिस तरह से आने वाला जो फ्यूचर में ये लोग थोड़ा और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, और जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सेमीकंडक्टर में अपने यूसेज को बढ़ाएंगे, तो वहां पर थोड़ा अच्छा लगता है। अब रिस्क क्या है या नेगेटिव चीज क्या है, तो नेगेटिव इस कंपनी में ये है कि इनको गुजरात पॉल्यूशन बोर्ड से काफी नोटिस मिला हुआ है। ये नोटिस क्या चीज को लेके मिला था वो समझते हैं। तो कंपनी रिसीव नोटिस फ्रॉम पॉल्यूशन बोर्ड इन सेप्टेम्बर 2021, जहां पर इनको ऑर्डर मिला था अपने प्लांट को बंद कर देने के लिए 3 महीना के लिए, फॉर 3 मंथ्स दे वर आस्क्ड टू क्लोज डाउन देयर बिजनेस। पर उसके बाद मैनेजमेंट ने अभी क्वार्टर फोर के बाद ये अपडेट दिया है कि हम लोग को यहाँ पर वी हैव रिसीव्ड परमानेंट रिवोकेशन लेटर, यानी हम लोग को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में परमानेंट रिवोकेशन दे दिया है कि आपका प्लांट में किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, और फ्यूचर में भी आपके पास ऐसा कोई नोटिस हमारी तरफ से नहीं आएगा। दे हैव कंप्लीट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज फैसिलिटी एट देयर प्लांट। तो मैनेजमेंट बोल रहे हैं हम लोग के पास कोई गलती नहीं है, और हम लोग का लास्ट टाइम जो प्लांट बंद होने का ऑर्डर आया था उसमें भी हम लोग का कोई गलती नहीं था, कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया था या पोल्यूशन बोर्ड को कोई गलत इन्फॉर्मेशन चला गया, इसलिए अब उन्होंने एक रिवोकेशन लेटर दिया है, और वो परमानेंट रिवोकेशन दिया है कि आज के बाद कभी भी ऐसा वो लोग नहीं करेंगे हमारे प्लांट में दिक्कत, क्योंकि उन लोगों ने पूरा प्लांट को अच्छी तरह से चेक कर लिया है। वैल्यूएशन का अगर बात करूं तो अब पूरा स्टडी करने के बाद और कंपनी का आगे का प्रोस्पेक्ट देखने के बाद जो समझ में आ रहा है, और पॉल्यूशन बोर्ड का जो बहुत बड़ा रिस्क था वो भी अभी थोड़ा सा हट गया है, तो उसके हिसाब से मैंने जो अपना एक वैल्यूएशन बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अकॉर्डिंग टू मी व्हाट कैन हैपन इन दिस कंपनी। तो अगर मैं बुल फेस का बात करूं तो अभी करंटली कंपनी का रेवेन्यू 257 करोड़ का है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ है कि 24% का टॉप लाइन ग्रोथ आएगा कंपनी में। तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो FY23 में कंपनी 318 करोड़ का रेवेन्यू कर सकता है। इबिटा मार्जिन जो कंपनी का 37-38% भी चला जाता है, मैंने 34% अज्यूम किया है, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये प्राइस 434-440 रुपए के रेंज तक, अगर सब कुछ अच्छा रहा, डिमांड अच्छा रहा, ग्रोथ अच्छा आया जैसा कि एक्सपेक्टेड है, तो ये टारगेट हो सकता है। अगर बहुत अच्छा नहीं भी हुआ तो बहुत खराब भी नहीं हुआ, यानी नॉर्मल फेज में अगर कंपनी चली तो वहां पर इनका 20% का टॉप लाइन ग्रोथ आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नया प्लांट लॉन्च हो रहा है, तो नया प्लांट आएगा तो वहां से भी रेवेन्यू जनरेट होगा, तो एवरीथिंग लुक्स गुड। वहां पर ये लोग 32% का एबिटा मार्जिन कर सकते हैं, और तब इनका प्राइस 354 तक जा सकता है जो अभी फिलहाल ये लोग ट्रेड करें, तो कहीं ना कहीं दे आर ट्रेडिंग एट अ फेयर वैल्यूएशन। और अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है और एक रिसेशन जैसा माहौल बन जाता है या इनके प्रोडक्ट का डिमांड नहीं आता है, तो ग्रोथ सिर्फ 17% अगर होता है और मार्जिन इनका गिर के 29 चला जाता है, जो कि अभी 38-39 के आसपास भी हो सकता है, तो ये प्राइस गिर के 250-260 के रेंज तक गिर के यहाँ पर आ सकता है। तो अब ये नहीं पता, ये हम लोग को एज ए इन्वेस्टर हम लोग को ट्रैक करते रहना पड़ेगा हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद कि कंपनी बुल फेस के हिसाब से ग्रो कर रही है या नॉर्मल परफॉर्मेंस दे रही है या फिर देर इज सम प्रॉब्लम और वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कंपनी को। तो ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझ के ट्रैक करते रहना पड़ेगा कंपनी में, तभी हम लोग कुछ डिसीजन ले पाएंगे। सो लास्ट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंपनी। तो ये कंपनी के बारे में जितना मुझे बताना था, जो भी चीज मुझे आपके साथ शेयर करना था, मैंने सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया। अगर आपको लगता है कि हमारे इस वीडियो को देख के आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, अगर आप नए आए हमारे चैनल में तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि वो भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ सीख सके, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट में कमाना बहुत मुश्किल है, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ये आप भी जानते होंगे। द रीजन इज कि रिटेल इन्वेस्टर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि आप हमारे वीडियोज देखें, कंपनी के बिजनेस को समझें, हमारे साथ उस कंपनी को एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करें और फिर एक प्रॉपर जजमेंट लें, एम्पावर हो, सेल्फ एम्पावर हो कि आपको किसी बाजार में किसी टिप की जरूरत ना पड़े कि कोई टिप देगा कि ये शेयर चलेगा और फिर बाद में आपने इन्वेस्ट कर दिया और वो उल्टा हो जाता है। टिप इज ओनली अ बेट, आपको धोखा देने के लिए ये सब टिप बाजार में फैलाए जाते हैं,
आप अपने नॉलेज बढ़ाइए, अपने आप को एम्पावर करिए और एक प्रॉपर तरीका से इन्वेस्टमेंट करिए, तभी एक एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग इस मार्केट में सक्सेस पा सकते हैं, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्पीट इन दिस मार्केट। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।